Welcome back to my channel. Welcome back to a new video. So, आज का video is going to be a haul. You all know that I have started college recently. So, college की वजह से मैंने बहुत कुछ purchase किया था Flipkart से, Meesho से, Amazon से कुछ खास लिया नहीं था मैंने. तो मैंने काफ़ी कुछ affordable and काफ़ी कुछ beautiful pieces मैंने ढूंढे हैं. तो both from Meesho and from Flipkart. So, मैं just उसी का एक छोटा सा haul share करना चाहती थी. And yeah, after a long time, like after Eid, we are doing this haul. So, I'm really excited. As I said, it's for daily wear, it's for college wear. तो इसके वजह से it has to be comfortable, affordable, सब कुछ ना. So okay, बिना ज़्यादा बात किए, let's just get started with the video, guys. As I said, मैंने दोनों जगह से लिया है, Meesho and Flipkart. तो सबसे पहले मैं Meesho से start करती हूँ. So Meesho से I got this pretty brown color का थोड़ा crop top kind. तो इसमें पहला तो है, इसमें हाफ स्लीव्स है एंड ये थोड़ा डीप नेक है. एक्चुअली मैं कहीं से चाहती थी कि मुझे डीप नेक मिले, क्योंकि मैं यहाँ से जो भी ऐसे टी शर्ट्स लेती हूँ सबका ऐसा फुल गला होता है, तो मुझे थोड़ा गर्मी में डीप नेक पसंद है ज़्यादा पहनना. तो इसकी वजह से इसका फैब्रिक इज़ लाइक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है. इसका मटेरियल इज़ काइंड ऑफ कॉटन, या काइंड ऑफ कॉटन, थोड़ा सा मोटा है लेकिन कॉटन है. एंड ऑफकोर्स ये स्वेट एब्जॉर्बिंग है. एंड इसका प्राइस बहुत ही सस्ता था, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आज मुझे एग्जैक्टली किसी का प्राइस याद नहीं है. द कलर ऑफ दिस टॉप इज रियली प्रिटी एंड मैं इसको रेट करूंगी 7/10. सो मैंने Meesho से और कोई टॉप नहीं लिया था, मैंने Meesho से अब पैंट्स लिया है. तो मैं आपको पैंट्स दिखाती हूँ. तो मैंने Meesho से एक कॉम्बो पैंट का सेट लिया था. एज आई सेड, डेली वेयर में हमें कंफर्टेबल पैंट्स चाहिए, तो मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी जहाँ पे मुझे कॉम्बो मिल जाए, सस्ते में कॉम्बो मिल जाए. तो उसके लिए आई गॉट दीज टू पैंट्स. ये एकदम कॉटन फैब्रिक है, बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा. सो ये रहा ये एक, ये थोड़ा पिस्ता ग्रीन कलर आप बोल सकते हो, पिस्ता ग्रीन कलर में. एंड इसका ये जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है आपके वेस्ट की तरफ. एंड यहाँ पे एक डिटेलिंग के लिए एक बेल्ट टाइप रहता है जिसको आप नॉट करके पहन सकते हो, विथ क्रॉप टॉप्स, विथ नॉर्मल लॉन्ग टी शर्ट्स को आप इन करके पहन सकते हो. एंड इवन समटाइम्स आप अगर चाहो ना कि मैं नॉर्मली लॉन्ग टी शर्ट्स के साथ मैं इसको पहनूंगी बिना इनके, वो भी अच्छा लगता है. मैंने लास्ट कुछ दिन पहले पहना था, तो वो है. एंड दूसरा कलर आई गॉट इज दिस इन ब्लैक कलर. तो ये दोनों मिला के मुझे मिला था 405 में. तो एकदम पैसा वसूल था, दोनों 405 में, इट्स काफ़ी अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी है. एकदम वो है ना, गर्मी में ये एकदम बेस्ट है इसका क्वालिटी. तो ये भी अगेन स्ट्रेचेबल वेस्ट है एंड इट्स ऑल्सो हैज़ दिस नॉट वाला थिंग जो बेल्ट है. बट नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस इज कि ये जो पिस्ता ग्रीन कलर वाला है ये थोड़ा सा सी थ्रू है. मुझे ऐसा लगा इसका फैब्रिक थोड़ा सा सी थ्रू है, बट ब्लैक वाला इज रियली ऑसम, रियली ऑसम. तो मैं पिस्ता ग्रीन वाला काफ़ी कम टाइम ही पहनती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुझे सी थ्रू लगता है. मटीरियल वाइज ब्लैक का ज़्यादा बेटर है एंड पिस्ता ग्रीन का थोड़ा कम बेटर है. मुझे समझ नहीं आता Meesho ऐसा क्यों करता है, किसी का मटीरियल अच्छा बना देता है, किसी का मटीरियल बेकार बना देता है. ये बेकार नहीं बोलूँगी, बट फैब्रिक थोड़ा सा सी थ्रू लगता है पिस्ता ग्रीन वाले में. सो इनके दोनों के रेटिंग्स दोनों डिफरेंट होंगे. एज ग्रीन वाला कंफर्टेबल तो था लेकिन सी थ्रू था, तो इसको मैं दूंगी 6/10. एंड द ब्लैक वन वाज रियली कंफर्टेबल एंड थोड़ा सा और ढीला हो सकता था, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट. सो इट्स 9/10. सो मैंने फिर से एक और पैंट मंगवाया था. ऐसा ही सर, मेरे पास इतना पैंट अच्छे वाले थे नहीं, जीन्स है लेकिन जीन्स पहन के जाना इज़ नो. ओके, तो इसके लिए मैंने और दो पैंट्स ऑर्डर किए थे, वो भी मैंने Meesho से ही ऑर्डर किया था एंड वो भी कॉम्बो पैंट्स ही है. सो द फर्स्ट पैंट आई गॉट इज दिस वन. ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है कुछ टाइम से, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये पैंट्स. सो ये ऐसे जा रहा है एंड देन फिर यहाँ जाके ये थोड़ा वो क्या कहते हैं, बेल बॉटम पैंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इट्स काइंड ऑफ बेल बॉटम प्लांट्स बेल बॉटम पैंट्स. ओके, सो या मगर इसका फैब्रिक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट होगा, मगर इसका फैब्रिक थोड़ा हार्श है. एंड ऊपर से मैंने इसको 34 में ऑर्डर किया था, 34 साइज़ में. बट ये टू बी ऑनेस्ट, ये स्ट्रेचेबल नहीं है. तो अगर आपको थोड़ा बड़ा लेना है तो आप ले लो, बिकॉज एग्जैक्ट फिटिंग में लोगे ना तो यू वॉन्ट इवन बी एबल टू स्ट्रेच इट.
तो मुझे ये इशू हो रहा है इस पैंट में, मुझे थोड़ा सा लाइक वो टाइट कंजेस्टेड फील हो रहा है. ओके, जैसे कि ये वाले में स्ट्रेचेबल मटेरियल है एंड पूरा फिट टू, मतलब ट्रू टू इट साइज है ये वाले, मगर इसमें ना मतलब मुझे 34 वाला ये लगा नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्ट्रेचेबल नहीं है. एंड फिर यहाँ से इट्स फाइन, लाइक फिर यहाँ से इट्स फाइन, बट फ्रॉम द वेस्ट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो रहा है इन बोथ द पैंट्स. एंड ऊपर से इसका फेब्रिक इज, आई डोंट लाइक द फेब्रिक, मतलब अगर ये अंदर से भी थोड़ा सा लियॉन कपड़ा दे देते ना तो अच्छा होता, मगर इट्स जस्ट दैट इन लोगों ने थोड़ा वो हार्श मटीरियल यूज़ किया है. सो दिस इज अनदर कलर, ये आपका डार्क ग्रीन कलर है. आई डोंट नो वीडियो में इफ इट्स लुकिंग डार्क ब्लू, मगर ये डार्क ग्रीन कलर है. सो मगर दिस फिनिश इट गिव्स बहुत ही अच्छा लगता है. लाइक यूजुअली हमें ना, सो यूजुअली आप जब इसको पहनते हो इट लुक्स रियली एलिगेंट, मतलब वो है काफ़ी स्टाइलिश लगता है, काफ़ी एलिगेंट लगता है, मगर थोड़ा कम्फर्ट कम है इसमें, यही बात है. सो अगर इफ़ यू आर ओके विथ कि एलिगेंस अच्छा है कम्फर्ट नहीं है तो छोड़ो, ठीक है. बट मुझे वही था, मुझे दोनों चाहिए था, मुझे एलिगेंस भी चाहिए था, मुझे कम्फर्ट भी चाहिए था, एज आई विल बी वेयरिंग इट फॉर डेली वेयर, राइट. कॉलेज लाइक अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो 2-3 घंटे के लिए तो इट्स फाइन, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको डेली वेयर करोगे फॉर योर जर्नीज तो थोड़ा सा गर्मी वगैरह आपको अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, एज इट कम्प्लीटली कंजेस्टेड. या तो बड़ा साइज ले लो. ये पैंट्स का आपका वैसा है कि आपको पूरा लाइक क्या कहते हैं उसको, फिट पहनना पड़ता है. अगर आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा पहनोगे ना तो इट वॉन्ट लुक दैट नाइस. बट जस्ट यहाँ पे ये लोग एक काम कर सकते थे, अगर ट्रू टू साइज ही रहते लेकिन बस यहाँ पे ये लोग एक स्ट्रेचेबल मटेरियल डाल देते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती. एज आई सेड दिट्स लुक्स रियली एलिगेंट, मतलब मैं पहनी हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है. लेकिन एंड स्पेशली फॉर ऑफिस वेयर्स, नॉर्मल फॉर्मल वेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यू टू इट्स पुअर फैब्रिक क्वालिटी आई विल रेट दिस 5/10. सो बस मैंने मीशो से यही लिया था. एंड अब आती है हमारी बारी फ्लिपकार्ट की. फ्लिपकार्ट से मैंने कोई भी पैंट नहीं मंगवाया है, फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ टॉप्स मंगवाए. सो द फर्स्ट टॉप दैट आई गॉट इज दिस प्लेन वाइट, बिल्कुल. एंड ये इसको क्या कहते हैं, आई थिंक बेल स्लीव्स कहते हैं, ये पफ्ड काइंड ऑफ स्लीव्स है. तो हाँ, तो मुझे एक प्लेन वाइट में चाहिए था एक ड्रेस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वाइट कलर, वाइट मेक्स मी हैप्पी. नहीं एक्चुअली ना, गर्मी के टाइम पे वाइट गिव्स यू लाइक वेरी मच कम्फर्ट, तो मुझे वही कम्फर्ट के लिए मुझे ये, मैंने ये वाला लिया था. सो इट्स रियली प्रिटी, मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, कम्फर्टेबल है एंड गुड फॉर डेली वेयर. एंड पीछे का इट्स लॉक्ड, पीछे में कुछ नहीं है, लेकिन सामने में इट्स काइंड ऑफ डीप नेक, लाइक डीप तो नहीं है लेकिन व्हेन यू वेयर इट ना कहीं ये डीप हो ही जाता है, तो मतलब ठीक है, इट्स फाइन, लाइक काफ़ी कम्फर्टेबल है, बस यही है एंड अफोर्डेबल भी है. ये टॉप काफ़ी कंफर्टेबल है एंड आई विल रेट दिस 9/10, क्योंकि इसमें थोड़ा डिज़ाइन या कोई वर्क हो सकता था एंड अगर होता तो ये और ज़्यादा प्रिटी लगता. एंड द नेक्स्ट टॉप विच आई गॉट वॉज दिस टॉप, जिसको मैंने रिटर्न कर दिया है क्योंकि मुझे इसका फेब्रिक उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. लाइक द प्राइस वॉज काइंड 398 और समथिंग, मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, बट अकॉर्डिंग टू दैट ये काफ़ी ट्रेंडी दिख रहा है, मैं मानती हूँ, एंड बिल्कुल ऐसा ही आया था सेम. लेकिन मुझे इसके कंफर्ट में, इसके फेब्रिक में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने रिटर्न कर दिया. अगर मैं इसको ऐसा घूमने जाने के पर्पज से लेती तो मैं इसको रख देती, कोई मतलब बुराई नहीं था. इट वॉज लुकिंग वेरी एलिगेंट, वेरी लाइक इट वॉज लुकिंग नाइस, द कलर वॉज वाइब्रेंट, द डिज़ाइन वॉज गुड, लेकिन द कम्फर्ट वॉज लिटिल लेस. वो भी नहीं बोलूंगी कि था नहीं, लिटिल लेस था, इसलिए मैंने और रखा ही नहीं उसको. अच्छा, सो द नेक्स्ट टॉप आई गॉट इज दिस हार्पा का, ये अगेन टॉप, वो वाला भी हार्पा का ही टॉप था. तो नेक्स्ट टॉप इज आई गॉट इज दिस वन. सो ये यहाँ पे वो स्ट्रेचेबल मटेरियल है यहाँ से, एंड यहाँ पे आप ऐसा ओवर शोल्डर भी पहन सकते हो एंड ऐसे भी पहन सकते हो, एंड यहाँ से इट्स कम्प्लीटली सिल्क, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है ये टॉप. थोड़ा सा फिटिंग इसका ऑड है, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स फाइन, लाइक थोड़ा सा एडजस्ट करके पहनना पड़ता है कभी कभी. एंड मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है कम्प्लीटली कॉलेज में, बट आई रियली लव द होल कलर एंड द डिज़ाइन एंड द होल लाइक होल द एलिगेंस ऑफ दिस आउटफिट, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसा. एंड आप इसको ओवर शोल्डर की तरह भी पहन सकते हो, सामने पीछे इट्स लाइक द इक्वल लेंथ
एंड क्रॉप है. हाँ ऑफकोर्स ये आपको लॉन्ग हाई वेस्टेड जीन्स के साथ पहनना पड़ेगा, देन इट विल लुक रियली नाइस. ये टॉप का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे इसके स्ट्रेचेबल फैब्रिक की वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है विथ फिटिंग, सो आई विल रेट दिस एन 8/10. एंड द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस वॉच. ठीक है, सो ये वॉच मैंने भी फ्लिपकार्ट से लिया है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, लेकिन इस वॉच का मतलब ये काफ़ी मस्त वॉच है. लाइक यहाँ पे ये मैग्नेट है, एंड वंस यू लाइक मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. सो आप ऐसे लाइक अपने हाथ में ऐसे पहन लो, एंड फिर यहाँ पे जो मैग्नेट है उसको आप ऐसे करके एंड सी इट इज़ अटैच्ड. मतलब आपको कहीं पे भी वो टाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन ये यहाँ पे मेटालिक है, मतलब ये जो बैंड मतलब ये जो बैंड है ये मेटालिक है. एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा ये कुछ दिन पहले लिया हुआ है मेरा, लेकिन इसमें ना पसीने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से इसका ब्लैक कलर फेड ऑफ कर रहा है. नाउ अगर ये फेड ऑफ कर रहा है देन इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. ओके, तो मुझे वही था कि अगर आप दे रहे हो तो थोड़ा वैसा दो ना, मतलब जैसे यू नो यहाँ पर रहेगा, पर कहीं बाहर जाओगे तो पसीना तो होगा आपका, तो पसीने की वजह से कलर फेड ऑफ नहीं करना चाहिए. वो भी मेटालिक के ऊपर से कलर फेड कर रहा है, तो वो कहता है ना इट्स रियली नॉट दैट हाई क्वालिटी. काफ़ी लाइक स्टाइल इसका काफ़ी अलग है. मैंने इस टाइप के मैग्नेट वाले आज तक अभी तक यूज़ नहीं किए हैं. एंड ये यहाँ पे रिजली का वॉच है, तो मैं हमेशा ऐसा ही वॉच लेती हूँ. नॉट दैट वेरी डिजाइनेबल, वेरी मुझे जस्ट है कि लाइक अच्छे से टाइम समझ आना चाहिए, बस नहीं होता है. लाइक आई एम नॉट इन टू वेरी मच वॉचेस. हाँ हमारा ख़त्म होता है फ्लिपकार्ट एंड मीशो का हॉल, बट आई ऑल्सो गॉट सम फ्यू मोर टॉप्स फ्रॉम योर हमारे यहाँ पे विशाल है. मैंने विशाल से कुछ कुछ टॉप्स वगैरह लिए थे, टी शर्ट्स बोल सकते हो रैदर. तो मैंने एक ये टी शर्ट लिया था, दिस पिंक कलर टी शर्ट. तो अनादर गॉट आई गॉट इज दिस वन वाइट टी शर्ट, जिसके यहाँ पे कुछ तो था एक रिबन जैसा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कट ऑफ हो गया था. तो ये एक वाइट है, तो अगेन मैंने एक और वाइट लिया. इस बार ना मतलब ब्लैक सिर्फ मैंने यही वाला लिया, मैंने ब्लैक कोई टी शर्ट नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ब्लैक मिला ही नहीं था अच्छा वाला, इसके वजह से ब्लैक लेना नहीं हुआ. आई थिंक दिस वॉज इन 199, दिस वॉज वन आई थिंक 150 था ये वाला, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. एंड दूसरा एक और जो टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइक ऐसा टॉप्स वहाँ पे होता नहीं है यूजुअली, लेकिन आई गॉट देयर लकीली, तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा ये टॉप. मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सो विच इज़ दिस वन. सो ये मुझे काफ़ी ना प्रिटी लगता है, एटलीस्ट मेरे ऊपर काफ़ी प्रिटी लगता है. सो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल मटीरियल है, इसका मटीरियल नॉट एग्जैक्टली कॉटन बट अच्छा है, लाइक स्वेट अब्जॉर्बिंग मटीरियल है. इसका नेक का डिज़ाइन मुझे ओ माई गॉड इट्स रियली प्रिटी. सो या आई लव द नेक का डिज़ाइन एंड द कॉलर. एंड डीप नेक है ऑफकोर्स, लेकिन उतना लाइक रिवीलिंग नहीं है. एंड इसका हैंड में ये है, ये मुझे ना एक दो बार पहन के थोड़ा प्लेयर काइंड ऑफ फील हो रहा था. तो या गाइस इसी के साथ हमारा हॉल जो है वो ख़त्म होता है. आई होप आप लोगों को ये हॉल पसंद आया होगा. आई होप आप लोगों को भी मैं काफ़ी कुछ रिकमेंडेशंस दे पाई हूँ फॉर अ कॉलेज. आई नो सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो, बट दीज वर माई डिज़ाइन. बहुत लोगों के ये पैंट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, तो इसकी वजह से आई जस्ट शोड यू द हॉल. एंड या सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बोथ फ्रॉम मीशो एंड फ्रॉम फ्लिपकार्ट. इस टाइप के हॉल्स तो लाती ही रहती हूँ, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर अपलोड्स. गाइज मीट यू एट माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय गाइज, टाटा.